हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज की रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं कि आपको इस रिश्ते में अपने पार्टनर्स का वेट करना चाहिए या फिर मूव ऑन कर लेना चाहिए। रीडिंग टाइमलेस, जनरल एंड कलेक्टिव है। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम चेक करते हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। ये इंसान तो बहुत प्यार करते हैं आपको। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं इनकी। देखो, जो इंसान इतना प्यार करते हैं, जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार है, और ये सारा ही सारा प्यार आपके लिए है, तभी तो आप लोग भी परेशान हैं ये सोच सोच कर कि आखिर करें तो क्या करें, मूव ऑन कैसे करें इतने प्यारे इंसान से। वो वाइब्रेशंस क्वाइट स्ट्रांग हैं। करंट फीलिंग्स ये हैं फ्रेंड्स कि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं एंड आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर एक नेक्स्ट स्टेप लेने के बारे में कंटिन्यूसली ये इंसान सोच रहे हैं। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो की एनर्जीज यहाँ पर क्वाइट स्ट्रांग है। अब हम चेक करते हैं इनकी पर्सनल एनर्जीज क्या हैं। फाइव ऑफ वैंड्स। पर्सनल एनर्जीज कुछ इस तरह की हैं कि इनके मन में एक उथल पुथल चल रही है। काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ जो है अपसाइड डाउन हो चुकी है। इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आसपास के कलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो या हो इनकी फैमिली, सबके साथ इनकी नहीं बन रही है। इनका मन करता है कि मैं अकेली जाकर कहीं बैठ जाऊं। हो सकता है अननेसेसरली विदाउट एनी रीज़न इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और इन सब चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान है। अब मैं चेक कर रही हूँ ये पर्सन आपको कहना क्या चाहते हैं। लेट्स चेक फ्रेंड्स। एरीज लियो साज की एनर्जीज काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट है। एंड मैं स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ, अगर नंबर और डेट्स की बात करूँ तो 5/14/23, 8/17/26, 4/22/13 and 31, 2/11/29 and 20, ये नंबर, ये डेट्स सॉरी फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर्स के लिए या आप दोनों के रिश्ते के लिए। मैं स्ट्रांगली फ्रेंड्स यहाँ पर फील कर रही हूँ कि ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि ये जानते हैं आप बहुत हिम्मत और सब्र वाले हैं, और अभी तक आपने अपनी हिम्मत और सब्र का बेस्ट बेस्ट परफॉर्मेंस दी है उन दोनों की। लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं प्लीज़ थोड़ा पेशेंस और रखो, थोड़ी हिम्मत, थोड़ा सब्र और रखो। अभी भी ये आपसे हिम्मत और सब्र ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स कि आपका इनको लेकर क्या विचार है। आपका इनको लेकर ऐसा विचार है कि जहाँ तक कि आपको पता है कि ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल हैं, आपकी काफ़ी केयर और फिक्र है इन्हें, लेकिन स्टिल आपको लगता है कि प्यार का मैं क्या अचार डालूं। लिटरली वो वाइब है। अगर ये पर्सन यू नो आपको हैप्पी लाइफ, स्टेबल लाइफ और एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड नहीं कर सकते तो प्यार का मैं क्या ही करूँ। तो अब आप इस पर्सन के साथ यू नो स्टूपिड वे में स्ट्रगल करने के लिए रेडी नहीं हो। अब आप चाहते हो कि ये पर्सन इस कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर, आपके आपकी हैप्पीनेस को लेकर कोई एक्शन लें, वो एक्शन जो बहुत टाइम से ये सोच रहे हैं बट ले नहीं पा रहे। अब मैं चेक कर रही हूँ फ्रेंड्स कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फाइव ऑफ सोर्ड्स। इनके नेक्स्ट एक्शन की फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करने वाले हैं, एंड हो सकता है अननेसेसरली वे में आपका इनके साथ आर्ग्यू भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये पर्सन चिढ़ रहे हैं। और ये क्यों चिढ़ रहे हैं? आपको मूव ऑन करता देखकर या पोज लेता देखकर या डायरेक्टली अपने यू नो राइट के लिए लड़ता हुआ देखकर ये पर्सन थोड़े से चिढ़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप स्ट्रगल करते रहो, आप चुपचाप बैठे रहो एंड यू नो राइट टाइम का वेट करते रहो इनकी तरह, जैसे कि ये कर रहे हैं हाथ पे हाथ रखकर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसी एनर्जीज ये हैं कि ये पर्सन आपके बदलते बिहेवियर को देखकर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में या नेक्स्ट फ्यू डेज में ट्रिगर हो सकते हैं एंड आपके साथ हो सकता है ये अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स कर बैठे एंड उसमें ये आपको ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश करें कि आप ही सेल्फिश हो, आप ही इनके बारे में नहीं सोच रहे हो, आप ही इनके पेन को नहीं समझ रहे हो, आप ही इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो। तो ये आपके अंदर एक गिल्ट की भावना क्रिएट कर सकते हैं सो दैट यू नो आप अपने ये जो एक नेक्स्ट एक्शन को लेकर थोड़ा सा रिजिड और रफ और टफ हो गए हो, थोड़ा सा आप अपने डिसीजन को रीथिंक करो एंड अगेन इनके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दो। तो ये इस पर्सन का कोई जेन्युइन बिहेवियर नहीं है, मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ये इनका पॉलिटिक्स है, इनका मैनिपुलेटिव बिहेवियर है जो कि बार बार जब भी आप मूव ऑन करने लगते हो आपको रोकता है मूव ऑन करने से। आई डोंट नो फ्रेंड्स ये रीडिंग कितनों से रेजोनेट कर रही है, कितनी रेजोनेट कर रही है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं कर रही है, तो कितनी रेजोनेट कर रही है। यहाँ पे ना 5-5 की एनर्जीज बहुत हैं और 5-5 पोर्टल भी चल रहा है, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि जो आपकी लाइफ में लेट गो करने की नीड है आपको थोड़ा सा स्ट्रांग बन के उस चीज़ को लेट गो तो करना ही है। 119, 28, 10 ये नंबर, ये डेट्स भी आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, आप दोनों के रिश्ते के लिए इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकता है। अब हम चेक कर रहे हैं आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है और आगे आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। ऑल राइट, सो लेट्स चेक आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं। 3 of Pentacles है, यूनिवर्स कह रही है कि डेफिनेटली अगर आपको बाय हार्ट लगता है कि आपको इस कनेक्शन से एटलीस्ट पोज चाहिए तो मैं मूव ऑन करने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 3 हफ्ते तक रुकने की बात कर रही हूँ। तब देखें कि ये पर्सन आपके लिए कितना चेंज हो पा रहे हैं और कितना चेंज हो सकते हैं। ठीक है, 3 वीक्स रुककर आप वेट एंड वॉच की एनर्जीज में आएं। ऑल राइट, क्योंकि यही एनर्जी है, आप अपने कनेक्शन को लेकर अगर आपको लगता है किसी से पर्सनली आपको गाइडेंस लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, कोई रेमेडी करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप लोग करें, लेकिन प्रैक्टिकल एक्शंस को थोड़ा सा कम कर दें एंड वेट एंड वॉच की एनर्जीज में आ जाएं एंड देखें कि ये पर्सन आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो कि इस टाइम बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, डिवाइन की आपके लिए गाइडेंस है फ्रेंड्स कि आपको अपने करियर, अपनी स्टेबिलिटी और अपनी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करना है। बहुत कर लिया सेक्रीफाइस, बहुत औरों की खुशियों के लिए खुद की लाइफ को कर दिया स्पॉइल, अब आपको खुद की लाइफ को स्टेबल बनाना है, इंडिपेंडेंट बनना है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है एंड इफ आपको लगता है कि आपको एक वेल स्टेबल अच्छे प्रपोजल की नीड है तो उसके लिए भी आपको ओपन रहना है। बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली आ रही है एंड 10 of Pentacles, तो डिवाइन आपको कह रही है कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक स्टेबल एंड परमानेंट प्रपोजल आता हुआ दिखाई देता है। अब काफ़ी लोगों के लिए ये प्रपोजल आप ही के इन पर्सन का हो सकता है एंड वहीं बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रपोजल किसी हेल्दी और परमानेंट और अच्छे रिलेशनशिप का हो सकता है जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसके लिए आप प्रेयर्स और मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर रही हूँ कोई तो कार्मिक साइकिल है, कार्मिक सिचुएशन है या कार्मिक रिश्ता है जो आपकी लाइफ से एंड होने वाला है एंड फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्ट्रांगली ये भी फील कर पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को थोड़ी सी चैरिटी करने की नीड है। स्ट्रीट डॉग्स, स्ट्रीट बर्ड्स, स्ट्रीट एनिमल्स को आप फीड कराएं, उन्हें पानी पिलाएं, बहुत गर्मियां हैं, उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराएं, जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आप कर सकते हैं हेल्प करना शुरू कर दें। तो जो भी ब्लॉकेजेस हैं, चाहे तो वो आपके इस कनेक्शन की हैं या आपकी वेडिंग को रिलेटेड किसी प्रपोजल की है, वो रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आपको लगता है आपके पर्सन राजी हैं बट उनकी फैमिली नहीं मान रही है तो डेफिनेटली ये रेमेडीज़ आपको करनी है सो दैट आप दोनों के बीच में सभी ब्लॉकेजेस रिमूव होने शुरू हो जाएं और जल्दी से जल्दी रिमूव हो भी जाएं। बर्ड्स को अर्ली मॉर्निंग जाकर पार्क में ज़रूर फीड कराएं, बहुत नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप करा सकते हैं
एंड उसकी फुल एंड कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लकीली स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं, जाइए चेक करें, इजिली व्हाट्सएप करें एंड अपना सेशन बुक कराएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आई विश कि सभी इस रीडिंग को क्लेम करें और जल्दी से उनके लाइफ में हैप्पी मैरिड लाइफ, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और एक सेटलमेंट अट्रैक्ट हो जाए।